नमस्कार, वेबवार्ता में आपका स्वागत है। वेबवार्ता में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र निकाय चुनाव की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, चुनाव में भाजपा को ज्यादा फायदा हुआ है और बीएमसी की बात करें तो दोनों ही पार्टियों को ज्यादा फायदा हुआ पिछली बार की तुलना में, क्या कारण है? देखिए, एक तो ये बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक चुनाव थे। इन चुनावों के ठीक पहले शिवसेना और भाजपा का जो गठबंधन है उसमें दरार आई थी और उस दरार के बाद सभी ये देखने को आतुर थे कि इस दरार के बाद किस तरीके की स्थिति बनती है, क्योंकि शिवसेना वहां की स्थानीय पार्टी मानी जाती है, उसकी पैठ मजबूत है ये सोचकर, और वहां के हिंदू वोटों में विभाजन नहीं हो, इसी वजह से ये शिवसेना भाजपा का गठबंधन लगातार होता है। हालांकि जब बाल ठाकरे के समय में ये गठबंधन हुआ था उसके बाद भी कई बार नोकझोंक होती रही है, लेकिन बाल ठाकरे जी के देहांत के बाद निश्चित तौर पर ये गठबंधन लगातार सही पटरी पर नहीं दौड़ा, इसमें दरार आई और उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ। तो ये शिवसेना के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि शिवसेना को ये सोचना होगा कि जिस हिंदू वोट के नाम पर, जिस मराठा वोट के नाम पर, जिस शिवाजी के नाम पर वो अपनी पूरी राजनीति वहां पर महाराष्ट्र में करते हैं, खासतौर पर मुंबई में जो उनका गढ़ है, बाल ठाकरे ने जहां से अपनी शिवसेना को खड़ा किया, आज ये आप मान सकते हैं कि 75 सीटों वाली शिवसेना को इस बार 84 सीटें मिल गई हैं, लेकिन आप कुल मिलाकर देखें तो अगर 31 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी को 81 सीटें मिली हैं तो ये ज्यादा बड़ा झटका। हालांकि वोटों में जो सेंध लगी है वो कांग्रेस और एनसीपी के वोटों में लगी है, लेकिन भाजपा अगर कहीं भी अपने दम पर बहुमत के नजदीक जाने की स्थिति, वो भी निकाय के स्तर पर, तो आप सोचकर देखिए कि जिस विधानसभा में आज उनको फडणवीस की सरकार को शिवसेना के टेके की जरूरत पड़ी है, वो विधानसभा पूरी तरह से भाजपा के कब्जे में हो वो दिन भी दूर नहीं है। लोकसभा की सीटों के लिए भी उनको चिंतित होना पड़ेगा। उससे बड़ी बात यह है कि ये केवल मुंबई की बात है जहां पर कि त्रिशंकु की स्थिति बनी है। बाहर 10 में से 8 बड़ी नगर पालिकाओं को अगर भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हुई है तो निश्चित तौर पर जो नागपुर जो संघ का गढ़ रहा है, और ये बातें होती रही कि संघ का मुख्यालय होने के बावजूद भाजपा की उतनी मजबूत पैठ वहां नहीं बन पाई है, वो अब बनती दिख रही है, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां सकारात्मक है, वहीं सबसे बड़ी बात यह कि आप देखिए लोकसभा में भी एनडीए गठबंधन के रूप में लड़ा, लेकिन जब अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से अधिक सीटें मिल गई हैं तो उन्हें किसी से समझौता करने की, किसी की बात को मानने की, किसी दबाव में आने की जरूरत नहीं पड़ी, और सारे दल जो इस तरह के गठजोड़ में हमेशा अपनी लेन देन की, अपने सांसदों को मंत्री पद दिलवाने की, मलाईदार मंत्रालय दिलवाने के लिए ब्लैकमेलिंग करते रहे, वो सारी राजनीति एकदम से खत्म हो गई, देश लगातार उसी तरह की लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है। तो ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव थे बहुत महत्वपूर्ण थे। एक बड़ी बात और है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के अभी 3 चरण, बड़े चरण और बाकी हैं, और उनके ठीक पहले ये परिणामों का आना ये भी संकेत देता है कि नोटबंदी के बाद से लगातार निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, और महाराष्ट्र जैसे राज्य में 10 अगर जो पालिकाओं के चुनाव उनमें से 8 में उनको विजय मिली है तो ये बड़ा संकेत है। तो क्या इसे मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर मोहर माना जाना चाहिए? अगर इसको पूरी तरह से नहीं भी मानते हैं तो निश्चित तौर पर अगर जनता में नाराजगी होती तो इस स्तर पर भी दिखाई देती। अब जो सबसे बड़ा मोहर तो ये 5 राज्यों के जो चुनाव है उसमें भी उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा और निर्णायक फैसला माना जा रहा है, तो अगर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी वही स्वर सुनाई देता है जो निकाय चुनावों में सुनाई दिया है तो हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को नोटबंदी से नाराजगी है, तकलीफ भी हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो मानता है कि ऐसा साहसिक कदम, ऐसा दुस्साहसी कदम उठाया जाना चाहिए था। व्यापारी वर्ग, जो हमने उत्तर प्रदेश के चुनावों के कवरेज जो वेब दुनिया के लिए किया उसमें भी देखा कि व्यापारी वर्ग अभी भी नाराज है, और व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत समर्थक रहा है बड़ा, लेकिन जो मध्य वर्ग है, जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो गरीब वर्ग, उसको लगता है कि मेरे पास तो खोने को कुछ था नहीं, नोटबंदी से मेरा कुछ नहीं हुआ, कुछ समय मुझे कतार में जरूर लगना पड़ा, लेकिन अगर अमीरों का नुकसान हुआ है, अगर काला धन रखने वालों का नुकसान हुआ है, अगर काला पैसा रखने वालों को भी अपने धन को बचाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए या सफेद करने के लिए प्रयत्न करने पड़े तो ये अच्छा है। आखिर किसी ने किसी को करना था, किसी दिन तो ये होना था। अगर ये स्वर हमें 5 विधानसभा चुनावों की मतपेटियों से भी सुनाई देता है तो निश्चित तौर पर हम इसको निर्णायक फैसला मान सकते हैं। अभी तो महाराष्ट्र से जो आवाज आ रही है, आप देखिए, ये सबसे बड़ी जो खतरे की घंटी है वो है एनसीपी जैसी पार्टियों के लिए, ये खतरे की घंटी है कांग्रेस के लिए। जो कांग्रेस देश पर शासन करती आई, इतने सालों तक केंद्र में और तमाम राज्यों में उनकी सरकारें रही, निकाय स्तर पर भी वो इतनी, संजय निरुपम के इस्तीफा दे देने मात्र से कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर कांग्रेस जबरदस्त मजबूत रही है, शरद पवार के अलग हो जाने के बावजूद भी कांग्रेस की निकाय स्तर पर तो कम से कम जमीन मजबूत रही है, वो जमीन खिसक चुकी है। बिहार में उसका हश्र क्या हुआ हम देखते हैं,
केवल समर्थक दल बनकर वो रह गया है। उत्तर प्रदेश जहां पर वो अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रहे थे, प्रशांत किशोर को रणनीतिज्ञ बनाया था, प्रशांत किशोर की अगुवाई में राहुल गांधी खटिया डालकर सभाएं कर रहे थे, वहां पर वो अब बस केवल सपा के समर्थक बनकर रह गए हैं। उनको कुछ सीटें मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का जो हर्ष उत्तर प्रदेश में है, कांग्रेस का जो हर्ष अभी निकाय चुनावों में महाराष्ट्र में हुआ है कांग्रेस के लिए, अब अगर पुनर्विचार नहीं करेंगे, नए नेतृत्व की तलाश नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत है। एनसीपी और मनसे जैसे दलों को सोचना होगा कि क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति करके राष्ट्रीय स्तर की आकांक्षाएं जो उन्होंने पाली थी उसको कहीं ना कहीं ये चुनाव झटका देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयदीप जी, इस चुनाव में मराठा बटालों की भूमिका किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी पूरे पूरे आंकड़े ठीक से सामने नहीं आए हैं, लेकिन इन चुनावों के कुछ समय पहले ही अचानक से एक मराठा आंदोलन शुरू हुआ था। मराठा समाज के लोगों ने अपने हक के लिए, आरक्षण मांगने के लिए, और एक दो जो घटनाएं हुई थी जिसमें मराठा समाज को दबना पड़ा था, एक बलात्कार की घटना हो गई थी लातूर में, सोलापुर में, सांगली में, जिस तरह के बड़े बड़े मोर्चे निकले, और ये मौन मोर्चे, मूक मोर्चा उन्होंने उसको कहा था, वो मोर्चे निकले हैं मराठा समाज के, वो किसने निकाले, कौन उसके पीछे था, व्हाट्सएप पर कैसे इतने मराठा इकट्ठा हो गए, आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन उस हलचल का अगर कुछ स्वर हमें इन निकाय चुनाव में सुनाई देता है तो हमें लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी, उसके अनुषंगी संगठन और संघ ने जमीनी स्तर पर जो काम किया था उसका असर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही इन चुनावों से उत्साहित हो सकती है। फडणवीस के लिए बड़ा चुनौती का समय था, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर निकाय चुनाव में कुछ भी होता है, भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। वो संघ से निकले हैं, तपे हुए संघ कार्यकर्ता भी हैं, नागपुर से उनके एक मजबूत संबंध है और अपनी सरकार भी चला रहे हैं, और उस सरकार पर अभी जो खतरे की घड़ी शिवसेना के वजह से दिखाई दे रही थी उसमें कम से कम उन्होंने अपने नेतृत्व को सुरक्षित कर लिया, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये परिणाम आए हैं। हालांकि वो अफसोस जरूर करेंगे कि अगर वो पूरा बहुमत हासिल कर लेते, वो भी बीएमसी जैसे महत्वपूर्ण पालिका में, 8 बाकी में तो हुआ ही है, वो भी उन्हीं के नेतृत्व का कमाल है, लेकिन अगर यहाँ भी बहुमत आ जाता तो निश्चित तौर पर वो आज ज्यादा प्रसन्न नजर आते हैं। ऐसा नहीं लगता कि भाजपा को बीएमसी में शिवसेना को समर्थन दे देना चाहिए? अभी मेरे को लगता है कि इन दोनों के लिए इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेस, एनसीपी और मनसे की राजनीति इन निकायों से दूर रहे, तो फिलहाल अगर बीएमसी में शिवसेना और भाजपा का गठबंधन हो जाता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। जबरदस्त बहुमत उनको हासिल है दोनों को, और उन दोनों को मिला के बीएमसी में उनकी सरकार की स्थापना हो सकती है और स्थानीय शासन वो चला सकते हैं और राज्य की जो समस्या है सरकार चलाने की उसको भी हल कर सकते हैं। फिलहाल जिस तरह की सीटें दोनों को हासिल हुई है, सबसे बेहतर विकल्प तो यही है कि अपने जो गिले शिकवे हैं उनको भुलाकर शिवसेना भाजपा फिर से एक साथ आकर बीएमसी में शासन चलाए। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र निकाय चुनाव की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।